तो शुरू करते हैं एक ऐसी मिठाई जो बहुत ही आसान खाने में लाजवाब और फटाफट बनने वाली। तो जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। सूजी का सिर्फ कच्चापन दूर करना है, ज्यादा सूजी को नहीं भूनना, उतने में आटा भी और भून जाएगा और सूजी भी भून जाएगी। होली पास में आ रही है, भाई दूज आ रहा है, तो उसके लिए एक मिठाई तो बनती है। तो जिन्हें मैं आटे और गुड़ की बना रही हूँ बिल्कुल एक नए तरीके से, अलग तरीके से, बहुत आसान और बहुत ही टेस्टी। गुड़ मेल्ट हो गया। गुड़ मेल्ट होने के बाद में इसको 30 सेकंड के लिए और पकाएंगे धीमी आंच पे। ये मिठाई की जो रेसिपी है ना, ये बहुत शानदार बनती है, इसको जरूर बनाना। जल्दी बनने वाली, टेस्टी बनने वाली। अब बना के मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि कैसी बनी, किस किसी ने बनाई। होली पे, भाई दूज पे इसको वैसे भी बना के खा सकते हैं। ये आटा, सूजी और नारियल बुरादा जो रोस्ट करके रखा था, भून के रखा था, वो डाल दिया।